कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये सतोगुण युक्त हैं, ये बहुत ही अच्छे यानी नेक व्यक्ति हैं, लेकिन इनका कर्म जो तीनों का, ये स्वयं तीनों बहुत ही अच्छे, क्योंकि देव पद पर हैं, देव पद पर अच्छी आत्मा ही होती है, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं जिस कारण से ये स्वयं भी विवश हैं। और इसी कारण से देवी भागवत में भगवान शंकर जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मैं तमोगुण की युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो तो इसे जुल्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं, जीव के बस का नहीं, इतना प्रेरणा भर रखी है, इंजेक्शन लगा रखे हैं, जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही जो निराकार शक्ति हमें प्रभावित कर रही है, जैसे मकान की रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल रही निराकार उसकी गुण ने जा करके प्रभावित कर दिए, तीसरे कमरे में बैठे व्यक्ति भी छीकम छीक हो रहे हैं। अब ना मिर्च का दोष क्योंकि वो उस गुणयुक्त है, और ना उन व्यक्तियों का केवस की बात के वो महक आई और उनको छींक ना आवे, ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी से निकल रही वो निराकार गुण वो रजोगुण हमें प्रभावित करता है, जीव के बस का नहीं, जैसे छींक आती है ऐसे वो संतानों उत्पत्ति करता ही करता है, और फिर उसी से प्रभाव से वो यहाँ की संसारिक इस संपत्ति को जोड़ने में, ठाठ बाठ करने में, राज प्राप्त करने में, प्रभुता प्राप्त करने में सारा जीवन खो देता है। और विष्णु जी से निकल रहा वो उसका निराकार गुण है, वो भले ही अपने अपने लोकों में विराजमान है, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, लेकिन वहां से निकल रही उनकी जो तरंगे हैं, उनके गुणों की तरंगे हमें तीनों लोक के प्राणियों को ऑटोमेटिकली प्रभावित कर रही हैं, जैसे इसका मोबाइल का टावर एक स्थान पर होता है और वहां से निकल रही वो तरंगे जहां भी उससे कनेक्टेड, उसके क्षेत्र में जो उससे संबंधित मोबाइल है वो अपना कार्य कर रहा है। तो ये तीनों भी दुखी हैं। भगवान विष्णु से निकल रही सतोगुण की तरंगों से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं, ये जीव के बस का नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें ये ज्ञान देने की चेष्टा की, उन सभी को समझाया कि तुम जो साधनाएं करते हो ये तुम्हारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक, इनसे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उनको सबको ये ज्ञान दिया, समझाने की चेष्टा की, तो तब तो वो सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो, हमसे भूल बन गई। तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। तो अब ये ज्ञान परमात्मा की दया से ये प्रकाशित हुआ है, तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम जिसको निराकार बताते थे, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा काल है, और उसने अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी उसका पुत्र है, तमगुण शिव जी उसका पुत्र है, सतगुण विष्णु उसका पुत्र है, इन तीनों पुत्रों से तुम्हारे को जन्म मृत्यु और संहार के इस झंझट में बाई फोर्स रखवा रखे। इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना होता है, और तुम यहाँ बैठे हो 100,000 यहाँ भूने जा रहे हो। अब मेरी कृपा से ये जलन तुम्हें महसूस नहीं हो रही। जब उनको ये पता चला कि सचमुच ये परम शक्ति है, परमात्मा को पता था कि इनके मन में भ्रम ना रह जाए, परमेश्वर ने कहा कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा ये भगवान, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अविनाशी घटिया अनुतम नियम है, मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण,
कृष्ण जी तो ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूँ, तो सामने व्यक्ति रूप में खड़े थे। वो काल कहता है, ये गीता ज्ञानदाता कहता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ कि सबके समक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये मनुष्य मान रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं। तो वो ऐसे छुपा रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाएं, सूर्य विद्यमान है लेकिन हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो अव्यक्त है, हमसे अव्यक्त है, प्रोक्ष है। ऐसे ही ये काल कहता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अब परमात्मा के सामने उसकी योग माया हट गई, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, वो है तुम्हारा भगवान, या उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है, और काला माथा उसका, कहने लगे वो आन लग रहा, लंबे लंबे दांत उसके, ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योत निरंजन, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिगी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहां से वो उड़ गए सारे आकाश में और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में, या न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया यहां पर, क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी, और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था, और इसने मांगा था हमारे को परमात्मा ने, हमारी इच्छा से हमने स्वयं इसके साथ काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी, और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था, और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है, और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना 1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने काल के पेट में शरण दी थी। तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का, जो सतलोक में 16 पुत्र हैं उनमें से एक जोग जीत भी है, जोग जीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहाँ पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत, जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोग जीत रूप में प्रकट होकर के वहाँ से निकाल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उस दिन से कहा था कि तूने 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहां इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ करवा दे भगवान पिताजी से, जोगजीत मुझे क्षमा करवा दे, मेरी गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहां से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 16 शंख कोश, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोग जीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया,
अब एकदम भयंकर हो गया जोगजीत जी रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर, वो पहचान नहीं सका मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोगजीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देही तोड़ूंगा, इसने मेरे को वहां से निकाला था, यो कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तो संदेश लेकर आया तो वो बता दे क्या आज्ञा है उनकी, और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बद सलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था, आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति हम सब की। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तूने इन प्यारी आत्माओं की क्या दुर्गति कर रखी है, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है, तुझे दया नहीं आई, और ये तपतशिला पर भून रहा है ये हाहाकार मचाई, तब परमात्मा ने मुझे भेजा है और क्या आदेश दिया सुन ले, नीचे जाऊंगा मैं तेरे 21 ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और स्वर्ग आदि में जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो असली मंत्र मुझे दे रखा परमात्मा ने, उस मंत्र को बता के आऊँगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना कराऊँगा सबको, तेरी पोल पाड़ूंगा, तने ऐसा जुल्म कर दिया, सबको मिसगाइड कर रखा है। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण करके धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मुझे मारने के उद्देश्य से इसने एकदम मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा, तो धर्मदास परमेश्वर जी कहते हैं मैंने सतनाम का श्वास उस श्वास से सिमरण शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो दाव है परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से आप जी को भी आगाह किया है कि ऐसे कभी आप पर कोई आपदा या काल का कोई दूत, प्रेत, पितर, भूत, भैरव, कोई किसी प्रकार का देवी देवता भी आपको सताने की चेष्टा करे, सतनाम का सुमन एक बार हृदय से शुरू कर देना, वो खोज जाना पावे, आसपास भी नहीं मिलेगा आपको, इतनी पावर है परमात्मा के इस मंत्र में, लेकिन जो सच्ची विधि से लगा हुआ है और मर्यादा में रहकर उसका सेवन कर रहा है। कबीर जी ने बताया धर्मदास जी को कि धर्मदास मैंने जो सतनाम का सुमन किया, दो अक्षर का है सतनाम, ये अनाड़ी संत, ये कबीर पंथी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाले, गाटा जोड़ रहे सतनाम, सत्यनाम का नाम विरा किया है, ये दो अक्षर का नाम है, इसमें एक ओम अक्षर है, एक वो तत्व, वो सांकेतिक है, ये दो अक्षर का मिलकर सतनाम बनता है, और तीसरा सत्य वो सार नाम है। सतनाम का सुमन करते ही कहते हैं उस काल की नहीं पार बसाई, ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। यहाँ तक लिखा है कबीर सागर में कि वो इतना भयभीत हो गया इस मंत्र के प्रभाव से कि वो पाताल लोक में भाज गया, दौड़ गया, कहाँ तो टॉप मोस्ट प्लेस पर अपने निज स्थान में ब्रह्मलोक में था, इसने ब्रह्मलोक भी दो स्थान पर बना रखा है, एक 21वें ब्रह्मांड में इसका अपना ब्रह्म स्थान है, खुद अपना निजी स्थान है, एक इसने ब्रह्मलोक प्रत्येक ब्रह्मांड में बना रखे है, तो ये उस समय ये सबसे ऊपर वाले 21वें ब्रह्मांड में विराजमान था, वहां से पाताल लोक सबसे नीचे के लोक में बाज गया, छुप गया, परमात्मा तक कहाँ जाएगा, वो परमेश्वर वहां पहुंच गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चरण छू लिए, मैंने माफ कर दियो जोगजीत, मैं तो आपको भगवान जैसा मानता हूँ, मेरे से गलती होगी, वे तो अक्समाई किया करते हैं, बच्चे तो गलतियां करते हैं, तो परमात्मा बोले खड़ा हो, यहाँ सब के सामने नहीं चल, वहीं बात करेंगे, वो फिर ले आए उसको ऊपर, फिर वहाँ वार्ता हुई। अब उस काल ने सोचा कि ये तेरी पावर
तेरी अपनी पावर से, शक्ति से तो इस बात बने को नहीं। तो उसने चापलूसी का